नमस्कार, जय हिंद। एग्जाम टिप्स में आप लोगों का स्वागत है। स्टैटिक जीके की क्लास चल रही थी, क्या कवर किया जा रहा है इसमें? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, इन सब के एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं और डेली का हमारा 10 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ द सेल? निम्नलिखित में से किस कोशिका को पावर प्लांट ऑफ द सेल भी कहा जाता है? बताइए, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम? करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, गोल्जी बॉडी को नहीं बोला जाता, राइबोसोम को भी नहीं बोला जाता और लाइसोसोम को भी नहीं बोला जाता। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। बी इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का पिक्चर आपको दिख रहा होगा। और बात करते हैं लाइसोसोम की। इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। चलिए, बी इज करेक्ट ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। द रथ यात्रा एज पुरी इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ विच हिंदू डायटी? पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाया जाता है? बताइए, राम, जगन्नाथ, शिव, विष्णु। यहाँ पे आपको रथ यात्रा का पिक्चर दिख रहा होगा, हैप्पी रथ यात्रा। बताइए, राम के नहीं, शिव के भी नहीं, विष्णु के भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा? जगन्नाथ। बी इज करेक्ट ऑप्शन। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा। चलिए, बी इज करेक्ट ऑप्शन। कथक इज क्लासिकल डांस ऑफ। कथक कहां का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए, नॉर्थ इंडिया, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, यह है नॉर्थ इंडिया का और इसी से रिलेटेड है एक कथक कली। ये है केरला का। और कर्नाटका की बात करें, डोलू कुनिठा, ये है कर्नाटका का। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम। और हमारा केरला का एक और है कथकली भी है और एक और है मोहिनी अट्टम। चलिए, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ए, नॉर्थ इंडिया। कथक अगर एग्जाम में आए तो ये कहां का है? नॉर्थ इंडिया का है। ए इज करेक्ट ऑप्शन। स्वेज कैनाल कनेक्ट द मेडिटेरियन सी विद? स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? बताइए, एडियाटिक सी, अरेबियन सी, रेड सी, ब्लैक सी। ये आपको स्वेज कैनाल दिख रहा होगा। बताइए, ये किसको किससे कनेक्ट कर रही है? ये मेडिटेरियन सी से रेड सी को कनेक्ट कर रही है, भूमध्य सागर से लाल सागर को कनेक्ट कर रही है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? रेड सी। ये नहीं है, एडियाबेटिक सी भी नहीं है और ब्लैक सी भी नहीं है। करेक्ट कौन सा हमारा? रेड सी, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताइए, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर बताइए, बीएचयू। बताइए, संस्थापक कौन है? बाल गंगाधर तिलक नहीं है, बी आर अम्बेडकर भी नहीं है और राजेंद्र प्रसाद भी नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा है? मदन मोहन मालवीय, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, इन विच ऑफ द यूनियन टेरिटरीज डज नॉट द पंचायती राज सिस्टम नॉट एग्जिस्ट? बताइए, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? बताइए, दमन एंड दीव, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली या चंडीगढ़। करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, दमन और दीव में तो है, इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट नहीं है। दादर एवं नगर हवेली में भी है और चंडीगढ़ में भी है। दिल्ली में पंचायती राज सिस्टम नहीं है, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। दिल्ली में हमारा पंचायती राज सिस्टम नहीं है, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन इन ह्यूमन? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव में वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करती है? करेक्ट आंसर बताइए। बताइए, एड्रिनल ग्लैंड नहीं है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी नहीं है और थायराइड ग्लैंड भी नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा हमारा? पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार घोषणा की कि प्रस्तावना
संविधान का हिस्सा नहीं है, बैरूबरी केस, सज्जन सिंह केस या गोलखनाथ केस या केशवानंद भारती केस? करेक्ट आंसर बताइए। देखिए बेरुबरी केस, एक बेरुबरी केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद केशवानंद भारती केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? बेरुबरी केस, फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस हैज बीन इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है बताइए? 2, 3, 5, 6 बताइए, 3 टाइप के। कौन कौन से? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, द लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे ऑफ इंडिया हैज बीन लॉन्च ओवर विच रिवर? भारत का सबसे लंबी नदी रोप वे किस नदी पर शुरू किया गया है बताइए? ब्रह्मपुत्र, सतलुज, यमुना, नर्मदा। करेक्ट आंसर बताइए। सतलुज पे नहीं, यमुना पे भी नहीं, नर्मदा पे भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ब्रह्मपुत्र। ये आपको दिख रहा होगा रोप वे, ये सबसे लंबा रोप वे है और ये कहां पे है? गुवाहाटी। ए इज करेक्ट ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।